लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
नदी के बीच द्वीप पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने वाला ये प्राणी कौन है? मैं नारायण का जाप कर रहा हूं और ये प्राणी ओम नमः शिवाय रट रहा है। शब्दों में अंतर है, परंतु दोनों का अर्थ एक ही केंद्र पर जाके रुकता है। और फिर नारद, जगत तो तुम्हें ज्ञानी समझता है, अंतर तो मूर्ख देखते हैं, ज्ञानी सदा समानता देखते हैं। चलो नारद, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। शिव के अनुग्रह को प्राप्त करने के इच्छुक, कैसी अद्भुत लीला है भगवान भोलेनाथ की। जगत के अधिकांश मनुष्य प्रभु कृपा को भूलकर जगत के सुखों को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, किंतु राजा मानधाता जैसे कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो भौतिक सुखों को त्याग कर केवल प्रभु कृपा को प्राप्त करने में ही जीवन को सार्थक समझते हैं। धन्य हो राजा मानधाता, तुम धन्य हो। केवल तुम्ही ने जीवन के मूल सत्य को जाना और समझा भी, तुम धन्य हो। राजन संपूर्ण वातावरण शिवमय बना दिया है। तुम्हारा अणु अणु शिवमय हो गया। कदाचित इसी कारण मेरा स्वर तुम तक नहीं पहुंच पा रहा है। राजन, राजन, अणु अणु क्या? ये तो तन मन और चेतना से शिवमय होकर शिवजी की भांति समाधि में लीन हो गए। एक ओर शिव महिमा से प्रभावित राजा मानधाता निष्ठापूर्वक तन मन से मन में दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लीन है, तो दूसरी ओर शिव भक्त कुलगुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी भी मुखर होकर शिव भक्ति के प्रति समर्पित महारानी मैना की मनोकामना पूर्ण करके उसे पुत्र रत्न राजकुमार, कैसे हैं आप? आज हम बहुत प्रसन्न हैं महामंत्री। हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। विधाता की कृपा से हमें उत्तराधिकारी मिला है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है हमें। हम चाहते हैं हमारे संपूर्ण राज्य में उसका जन्मोत्सव मनाया जाए। हमारे सभी मित्र राजाओं को निमंत्रण भेजा जाए और अनुरोध किया जाए कि वो इस उत्सव में सम्मिलित होकर हमारे हर्ष को दुगना चौगुना बनाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बधाई हो हिमालय राज। विराजिए सुमेरु राज, आपका अभिनंदन है। मैं अभी आया। आपका स्वागत है देवराज। पुत्र रत्न की प्राप्ति की बधाई हो हिमालय राज। बधाई स्वीकार करें हिमालय राज। बधाई देने आए हो?
तनिक अपने मुंह पर हंसी तो बिखेर लो। जब हृदय में विषाद होते भी तो मुख पर हंसी कहाँ से आएगा? सो तो मैं भी जानती हूँ, किंतु तारकासुर का भय तो प्रकट नहीं होना चाहिए। अवसर का तो विचार करो। मैं नैना रानी से मिलकर आती हूँ। वायुदेव अग्निदेव आपका स्वागत है, पधारिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिमालय राज, पुत्र प्राप्ति के इस शुभ और सौभाग्यपूर्ण अवसर पर बधाई हो। देवऋषि नारद, हमें आपकी बधाई नहीं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नारायण नारायण, नारद के आशीर्वाद से कब किसका कल्याण हुआ है? राजन, इस समय तो आप बधाई से ही संतुष्ट हो जाइए। विंध्याचल महाराज पधारे हैं। बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। विंध्याचल महाराज आपका स्वागत है, पधारिए। ओहो, हमारे सामने हमारा मित्र व सखा सुमेरु पर्वत विराजमान है। बहुत समय पश्चात दर्शन हुए हैं, पहले मैं उनसे भेंट कर लूं। अवश्य अवश्य। आप किस विचार में खो गए देव ऋषि नारद? यही कि आपको पुत्र प्राप्ति तो हो गई, किंतु पुत्री के। देव ऋषि, पुत्र जन्म के अवसर पर पुत्री की चर्चा कहां से ले बैठे? नारायण नारायण, देवराज आप बार बार एक ही भूल करते हैं। भूल? कैसी भूल? देवराज, आप सभी देवगण को शक्ति की आराधना करनी है। यदि आप देवगण ये भी भूल गए तो निश्चित जानिए माँ शक्ति भी आपको भूल जाएगी। ऐसा ना कहे देवी, ऐसा ना कहे। हर्षोल्लास के अवसर पर ये ध्यान ही नहीं रहा कि आप पुत्री की चर्चा क्यों कर रहे हैं। पुत्री नहीं देवराज, शक्ति कहे शक्ति। समय समीप आ गया है जब शक्ति अपनी इच्छा से यहाँ जन्म लेगी। देवऋषि नारद, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी शक्ति की इच्छा अनुसार ही हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बड़े भाई के आगमन के पश्चात ही वे प्रकट होंगे। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं। ये क्या हो रहा है? विंध्याचल महाराज तो सुमेरु से भेंट करने गए थे, पर ये किस विवाद में फंस गए? मैं नहीं मानता, तुम्हारे ना मानने से भला क्या होता है, तो तुम्हारे मानने से क्या होता है? नारायण नारायण, विवाद वो भी नारद की अनुपस्थिति में, ना आनंद होगा ना अर्थ होगा उसका। ठहरो भक्तो, नारद आया। मेरी मान्यता ही सर्वोपरि है, मैं इस संसार का सबसे बड़ा पर्वत हूँ, मुझे ही पर्वत सम्राट पर्वत राज का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तुम्हारे इस चाहिए का तो विशाल सागर के भांति कोई और छोर ही नहीं है। नारायण नारायण, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पर्वत सम्राट का सम्मान क्यों मिलना चाहिए? इसलिए कि मैं पर्वतों में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, यह असत्य समाचार आपको किसने दिया? इसमें असत्य क्या है? सत्य भी क्या है? नारायण नारायण, सत्य है भी तो केवल इतना कि हिमालय राज ही सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे बड़े पर्वत हैं, इसीलिए पर्वतों के राजा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध करने से आकार छोटा हो जाएगा सुमेरु, और फिर तुम बाल पर्वत ही रह जाओगे। देव ऋषि, अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें। वो तो तभी संभव होगा जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखोगे। वो इनके लिए संभव नहीं है देव ऋषि। विंध्याचल, अपने से बड़ों के प्रति असम्मान की भावना रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। यही तो मैं भी आपसे कह रहा था कि स्वयं को पर्वतराज मानकर हिमालय राज के प्रति असम्मान प्रकट करना आपको शोभा नहीं देता। जहाँ असत्य को सत्य मान लिया जाए वहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, किंतु ये बात सत्य है कि मैं ही हूँ पर्वतराज, केवल मैं ही हूँ पर्वतराज, केवल मैं ही हूँ पर्वतराज। सुमेरु राज, सुनिए तो। नहीं, देखिए आप हमारे अतिथि हैं,
इस तरह क्रोधित होकर मत जाइए। सुमेरु राज रुक जाइए। अच्छा नहीं हुआ हिमालय राज। क्या अच्छा नहीं हुआ, इनका क्रोधित होना या इनका चले जाना? दोनों ही देवी। नारायण नारायण। हिमालय राज, चिंता त्याग कर अतिथियों का स्वागत करें। जैसी आज्ञा। नारायण नारायण। कहिए विंध्यराज, क्या कहते हैं आप? किस विषय में देव ऋषि? इस समय तो विषय एक ही है, सुमेरु राज। कहना क्या है, वो हिमालय राज से तो छोटे ही हैं, किंतु मुझसे बड़े हैं। तो आप बड़े हो जाइए ना। बड़ा होना अपने वश और अधिकार में होता है। अवश्य है, अवश्य है। आपने राजा मांधाता का नाम तो सुना होगा? वही जो नर्मदा नदी के बीच द्वीप में शिव आराधना में लीन है। वे ही। यदि आप भी उनकी भांति भगवान शिव की आराधना करेंगे तो सुमेरु राज से बड़े हो सकते हैं आप। सत्य? नारद के मुख से असत्य वचन कभी निकले हैं? नारायण नारायण। देव ऋषि, आपने बड़ा उपकार किया ये बताकर कि शिव आराधना से ही मैं सुमेरु से बड़ा हो सकता हूँ। मैं अवश्य शिव आराधना करूंगा। इसी में आपका कल्याण है विंध्याचल। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नमः। पंचाक्षरी महामंत्र में राजा मांधाता तो तपस्या में लीन थे, और अब विंध्याचल भी उसी मार्ग पर चल पड़े। किंतु विंध्याचल में राजा मांधाता जैसी तन्मयता और समर्पण भाव का है। नारायण नारायण देवेश्वर समाधि से जागेंगे। अवश्य जागेंगे। देवर्षि, स्वामी को जगाइए ना। क्या तुम सब ये समझते हो कि मैं यहाँ देवेश्वर को समाधि से जगाने आता हूँ? नहीं देव ऋषि, हम तो ये समझते हैं जब स्वामी को जागना होता है तभी आप प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भ्रमण महादेव जी, मैं तो तीनों लोक में भटकता रहता हूँ। भटकना क्यों कहते हो, तीनों लोकों का आनंद लेते हो, सभी लोकों में व्याप्त लीलाओं का रस लेते हो। किसी देवी अथवा देवता को भी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं है जितनी तुम्हें। भोलेनाथ, आप मेरी दुविधा को सुविधा कहते हैं।
मैं जिस लोक में जाता हूँ वहाँ के प्राणी मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लगाई बुझाई करने वाला समझते हैं मुझे। ये है मेरी सुविधा। इससे तुम्हें क्या अंतर पड़ता नारद? तुम वही करते रहे हो और वही करते रहोगे जो तुम उचित समझते हो। अब बताओ कहाँ से आ रहे हो? मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ दो शिव भक्तों ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अलख जगा रखा है। कहाँ है वो भक्त? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप तुम नर्मदा नदी के मध्य और तट पर खड़े उन भक्तों की चर्चा तो नहीं कर रहे नारद? हाँ देवेश्वर, राजा मानधाता और विंध्याचल पर्वत आपके नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं, उनके जाप की गूंज यहाँ भी सुनाई दे रही है। आश्चर्य है आपने अब तक अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी कामना पूर्ण नहीं की। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं नारद। ज्ञान दृष्टि भेद अनुभव के आधार पर कहीं साकार हूं तो कहीं निराकार हूं। मैं ओंकार हूं। परम शिव भक्त राजा मानधाता को शिव भक्ति में लीन देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हुए। जब वे हिमालय महल पहुंचे तो वहां इंद्र शची व अन्य देवगण भी पुत्र जन्मोत्सव पर बधाई देने आए हुए थे। अनेक पर्वतों के साथ साथ वहां विंध्याचल सुमेरु पर्वत भी उपस्थित थे। अहंकारवश सुमेरु पर्वत विंध्य पर्वत से स्वयं को श्रेष्ठ और ऊंचा मानने का दावा करने लगे। देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत को शिव साधना द्वारा सुमेरु से अधिक ऊंचा होने का मार्ग बता दिया। विंध्य पर्वत भी लक्ष्य पूर्ति के लिए साधना में जुट गए। पर नारद जी ने देखा कि राजा मानधाता जैसी शिव भक्ति विंध्य पर्वत में नहीं है। देवर्षि नारद कैलाश जाकर दोनों शिव भक्तों को दर्शन देने की याचना करते। राजा मानधाता और विंध्याचल पर्वत आपके नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं, उनके जाप की गूंज यहां भी सुनाई दे रही है। आश्चर्य है आपने अब तक अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी कामना पूर्ण नहीं की। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं नारद। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। नारायण नारायण। हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए राजन। अपनी तपस्या का प्रयोजन करो। केवल आपके दर्शन, केवल आपके दर्शन प्रभु। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं किसी वरदान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में नहीं आया प्रभु,
केवल आपकी कृपा, केवल आपके दर्शन के लिए, आपकी कृपा, आपके दर्शन के पश्चात यदि मैं कुछ भी मांगूंगा तो आपकी कृपा से तो कम ही होगा ना प्रभु। फिर भला मैं घाटे का सौदा क्यों करूं प्रभु, घाटे का सौदा क्यों करूं? तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और समर्पण भावना ने तुम्हें हमारे और समीप ला दिया है राजन। प्रभु तुम्हारी इच्छा हो न हो, किंतु हमें तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल देना ही होगा। प्रभु प्रभु आपके श्री शरणों में मेरा स्थान बना रहे, बस बस यही मेरा संतोष होगा प्रभु। किंतु इससे हमें संतोष नहीं होगा, श्रद्धा और अटूट नियम की सीमा में रहकर की गई तुम्हारी इस अटूट भक्ति ने तुम्हारा स्थान ऊंचा बना दिया है भक्त। इस स्थान और यहाँ के संपूर्ण वातावरण को तुम्हारी साधना और भक्ति ने शिवमय बना दिया है, इसी कारण ये द्वीप मानधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ के कण कण को तुमने अपनी भक्ति और साधना से पवित्र बना दिया, इसी कारण नर्मदा नदी के कंकड़ों को भी शंकर अर्थात शिवलिंग होने का गौरव प्राप्त होगा। इस नर्मदा नदी के तट के सभी तीर्थ भविष्य में शिव तीर्थ के नाम से जाने जाएंगे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 अथवा होड़ है तो ऐसी कामना का मार्ग ऊंचाई की ओर नहीं नीचे की ओर जाता है। तुम सुमेरु से ऊंचा होना क्यों चाहते हो? उसका गर्व खंडित करने के लिए, उसका अहंकार मिटाने के लिए। गर्व से गर्व खंडित कैसे होगा? अहंकारी यदि स्वयं का अहंकार मिटा नहीं सकता तो किसी अन्य का अहंकार मिटाने की क्षमता उसमें कहां से होगी? हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न अवश्य हुए थे, किंतु तुम्हारी इस ईर्ष्या भावना ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। कामना कल्याण में होनी चाहिए वत्स। तुम कोई अन्य वरदान मांगो जिसमें तुम्हारा हित हो। मैंने तो यही कामना मन में लेकर आपकी आराधना आरंभ की थी प्रभु। मन में ऐसी कामना करने से पूर्व
तुमने विचार नहीं किया कि इसका परिणाम ना तुम्हारे हित में होगा ना ही लोकहित में। और जो कामना लोकहित में नहीं होती वो पाप और दुष्कर्म के मार्ग से होती हुई पीड़ा और दुर्भाग्य तक जा पहुंचती है। किसी का अहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है भगवान। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अथवा मनवाने की इच्छा करना अथवा ऊंचे होने की कामना के गर्व से ही अहित की उत्पत्ति होती है रंगेराज। मैं अहित की भावना से स्वयं को दूर रखूंगा। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। शिशु देव का हो अथवा दानव का, उसे उसकी माता से दूर नहीं रखा जा सकता। अहंकार की भावना भी ऐसी ही माता है, जिसे अहित रूपी पुत्र से दूर रखना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं अहंकार का त्याग करूंगा देवेश्वर। किंतु उससे पूर्व तुम्हें सुमेरु से ऊंचे होने की कामना का त्याग करना होगा। फिर शेष क्या रह जाएगा प्रभु? तुम्हारा ये हट सद विचार और सद भावना को मार्ग नहीं दे रहा है। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया और तुम सुमेरु से ऊंचे हो गए तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? आर्यव्रत के उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु होने के कारण वर्तमान में आवागमन संभव है, किंतु तुम्हारे ऊंचे हो जाने से उत्तर दक्षिण का संपूर्ण भंग हो जाएगा, संतुलन नहीं रहेगा, परस्पर संबंध नहीं रहेंगे, उत्तर दक्षिण में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा न हो इस कारण तुम अन्य कोई वरदान मांग लो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कृपया मुझे सुमेरु से ऊंचा होने का वरदान दे भगवान। तथास्तु। किंतु विंध्यराज ये भी स्मरण रखना कि इस वरदान के दुष्परिणामों का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। प्रणाम प्रभु। मुझे सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया, सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। भगवान शिव के वरदान ने एक ओर तो विंध्याचल को प्रसन्नता प्रदान की, किंतु दूसरी ओर दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाला अहंकार भी उसमें जागृत हो गया, जिसके वशीभूत अनिष्टकारी परिणामों से बेसुध होकर वो भगवान शिव के वरदान स्वरूप धीरे धीरे ऊंचा और ऊंचा होता गया। सुमेरु स्वयं को पर्वतों का सम्राट समझता है, मेरी ओर देखेगा तो उसका गर्व चूर चूर हो जाएगा। यदि अंधेरा नहीं हटा तो नर नारी पशु पक्षी क्या होगा? रोग फैल सकते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार तो हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आओ अगस्त ऋषि के पास चलते हैं, वही हमारी रक्षा का उपाय बताएंगे। मुनिवर अंधकार का तांडव धरती पर छा गया है, हम सबको बचा लो मुनिवर। ये कैसा अंधकार है? मुनि अगस्त्य यहाँ आओ, शीघ्र आओ अगस्त्य मुनि। कौन कौन पुकार रहा है? कहाँ आना है मुझे? मैं कैलाशपति शंकर तुम्हें कैलाश पर बुला रहा हूं, आओ अगस्त्य मुनि। हे देवाधिदेव भगवान शिव, आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। मैं शीघ्र ही आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूं प्रभु। आप सब धीरे धीरे भगवान शंकर इस अंधकार को अवश्य ही प्रकाश में परिवर्तित करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? मुनि अगस्त्य कैलाश आने हेतु अंधकार से आना पड़ा,
महाबल हो। प्रथम तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मायावी दानव की आकृति का अथवा छाया का अंधकार है, किंतु मार्ग में प्रतीत हुआ कि विंध्याचल पर्वत के आकार में परिवर्तन और संवर्धन हुआ है। हाँ, वो किसी दानव की छाया का अंधकार नहीं, विंध्याचल के गर्व और अहंकार का अंधकार है। भगवान, मुझे स्मरण है एक अवसर पर आपने कहा था कि किसी भी योनि का प्राणी हो अज्ञान से जुड़ते ही दानव हो जाता है। वही गति हुई है विंध्याचल, गर्व और अज्ञान ने उसे दानव बना दिया। किंतु सदा सभी का कल्याण करने वाले सदाशिव, आपकी कृपा हुई तो विंध्याचल सुधर भी सकता है। भगवान, जगत का कल्याण सोचकर ही तुम्हें बुलाया है। विंध्याचल को सही मार्ग पर लाने का कार्य तुम्हें करना होगा। मुझे क्या करना होगा प्रभु? विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर हमें उसका हट मानना पड़ा और हमने उसे सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा होने का वरदान दे दिया। उसके दीर्घाकार से ही अंधकार बढ़ा है। ऐसे में उत्तर दक्षिण के संबंध व संपर्क समाप्त होने से अनर्थ हो सकता है। इस अनर्थ को होने से तुम्हें रोकना है। वो कैसे देवेश्वर? अहंकारी होते हुए भी विंध्याचल गुरु ज्ञानी और ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति तो उसके मन में विशेष आदर भाव है। ये सत्य है देवेश्वर, मेरे प्रति वो अधिक ही विनयशील है। तो अब जगत कल्याण हेतु उसकी विनयशीलता का लाभ उठाइए। आप इच्छा शक्ति के बल पर दक्षिण से उत्तर में आए हैं, किंतु अब पदयात्रा करते हुए विंध्याचल को पार कर पुनः दक्षिण में जाएंगे। उस दीर्घाकाल विंध्याचल को पार करना होगा? केवल विंध्याचल को, दीर्घाकाल विंध्याचल को नहीं। जब आप उस पर्वत की तलहटी में जाएंगे तो वो प्रणाम करने हेतु सिर नवाएगा। उस समय उसे कहें कि वो आपके लौटने की प्रतीक्षा करें और इसी तरह सिर नवाए रहे, जिससे आपको आवागमन में सुविधा हो। किंतु भगवान, मेरे पुनः उत्तर में लौटने पर वह भी पुनः खड़ा हो जाएगा, अतः समस्या तो वही रहेगी। आप दक्षिण से उत्तर में लौटेंगे ही क्यों? अर्थात मुझे सदा सदा के लिए दक्षिण में वास करना होगा प्रभु? लोकहित में किया गया आपका यह कार्य संपूर्ण जगत में चर्चा का विषय रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। मैं अगस्त तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है? गुरु अगस्त, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम करने की ये कौन सी प्रणाली है विंध्याचल? प्रणाम करने वाले की दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर और प्रणाम स्वीकार करने वाले की दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है। यहाँ स्थिति उल्टी है। तुम्हारी विनयशीलता पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। तुम अभिनय कब से हो गए विंध्याचल? नहीं मुनिवर, मेरी भावना में नहीं, मेरे आकार में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे आकार ने बड़ा होकर तुम्हारी भावना को छोटा कर दिया है, ये देख और जानकर मन क्लांत हुआ है। नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरे प्रति ऐसा अन्याय न करे गुरुदेव। तुम्हारी शालीनता और सौम्यता कहाँ गई विंध्याचल? तनिक ठहरिएगा मुनिवर, मुझे अपने दीर्घाकार से आपका आशीर्वाद अधिक प्रिय है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ। मुनिवर को विंध्याचल का प्रणाम। सुमत और सद्बुद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहे। मेरे लौट के आने तक तुम इसी तरह झुके रहना विंध्याचल। ऐसी कठोर आज्ञा क्यों मुनिवर?
अपनी कठोर यात्रा को सुगम करने के लिए तुम्हारी दीर्घाकार पर्वतीय काया को पार कर जाने और आने में मुझे दीर्घकाल तक यात्रा करनी होगी, परंतु तुम्हारे झुके रहने से मैं सुगम पूर्वक आ और जा सकता हूँ। मेरे लिए इतना त्याग करोगे ना विंध्याचल? अवश्य मुनिवर, किंतु कृपा करके शीघ्र ही लौटना। निश्चिंत रहो विंध्याचल, तुम्हारे कष्ट की पीड़ा मुझे शीघ्रता प्रदान करेगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। परंतु देवाधिदेव के आदेश से लोक धर्म के नाते मुझे यह व्यवहार करना पड़ा।